मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपका यह मैथ का क्लास चलता है डेली 11 बजे सुबह यानी कि 12 बजने से एक घंटे वाले, है ना। 11 बजे डेली क्लास चलता है आपका और इसमें हम लोग मैथ पढ़ते हैं और वो भी सुपर टेट, टेट और कह लीजिए आपका सी टेट, यूपी टेट, इन सबसे रिलेटेड, है ना, एमपी टेट, जितने भी टेट हैं। और अगर अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं आप, उसके लिए भी बेहतरीन क्लास होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ का तो हर जगह काम आता है ना, चाहे जिस भी फील्ड की आप तैयारी करते हो। तो आप लोग जुड़े रहिए, अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। यह 22वां लेक्चर है दोस्तों, 21 लेक्चर हो चुका है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो रिविज़न करते रहिए क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा और आप लोग को बेहतरीन तरीके से लगना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए थे वृत्त के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। हम लोग आज वृत्त में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है, छोटा छोटा वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं 2 से 3 बार 4 बार, है ना। तो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बचे थे जो हम आपको सिखाएंगे और बेहतरीन ढंग से दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हो सकता है ट्रेंड अगर थोड़ा सा भी बदल जाए ना तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, 100% आएंगे। तो दोस्तों हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखा था, जैसे हमने खंड के बारे में आपको बताते हैं, वृत्तखंड, वृत्तखंड जिसे सेक्टर बोलते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, एक चीज़ पहले आपको बता देते हैं, और अगर मान लीजिए ट्रायंगल है दोस्तों, तो ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, अभी बताए नहीं है त्रिभुज के बारे में, बताएंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा वृत्त में, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर यह वृत्त है सॉरी आपका त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज में हम मान लेते हैं कि यह साइड ए है और यह साइड बी है, साइड हमको दिया है ए और बी, ठीक है, और यह एंगल दे दिया है थीटा। आपसे पूछ दिया इस त्रिभुज की एरिया बताइए, पूछ दिया इस त्रिभुज की एरिया बताइए। अब यहाँ पे ना ही हीरोज फार्मूला आप लगा सकते हैं, ना ही यह पता कर सकते हैं कि आपका कैसा त्रिभुज है, यह आपका विषमबाहु त्रिभुज है कि समबाहु है, है ना, कि समद्विबाहु है, यह आप नहीं पता कर सकते, है ना। कैसे पता कर सकते बताइए, नहीं पता कर सकते क्योंकि दो ही भुजा दिया हुआ है, हो सकता है समद्विबाहु भी हो, यह ए हो या बी हो सकता है विषमबाहु हो या सी हो, तो ये चीज़ें क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, आपसे डायरेक्ट थीटा देकर यहाँ पर बोल दिया कि इसका एरिया निकालिए। दोस्तों सिंपल सा फार्मूला होता है एरिया का, जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप लिख लेंगे 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा, यह हो जाता है, सिंपल है। अगर आपका समबाहु होता है तो समबाहु के लिए हमने फार्मूला बता देंगे, अभी चिंता मत करिए आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेंगे। इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमें, इस वजह से हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया है। और यह कैसे आता है, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे ना तो इस सारी चीज़ का डेरिवेशन पढ़ते चलेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट पहले, वही क्योंकि बेस है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब हम वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं। अब वृत्त में हमने आपको बताया था सेक्टर, त्रिज्यखंड जिसे कहते हैं, जैसे कोई बड़ा सा वृत्त हो उसका अगर हम छोटा सा बर्फी नुमा आकृति इस तरह निकाल लें दोस्तों, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अगर यह थीटा है और सेक्टर हमेशा सेंटर से लिया जाता है दोस्तों, या अगर वृत्त है, यहाँ से कोई वृत्त बना हुआ है बड़ा सा और उसी का एक सेक्टर हमने छोटा सा ले लिया, और यह आर है और यह भी आर है, ठीक है ना। तो बस इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, यह वाला जो पोर्शन है ना, यह वाला इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, कॉपी पे नोट करते रहिएगा, त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर वृत्तखंड की बात करें यानी कि सेगमेंट जिसे बोलते हैं, तो जो यह चीज़ है ना इसे सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों, यानी कि वृत्तखंड, वृत्तखंड सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं, यह चीज़ होता है। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं टीचर्स में, बीईओ में, अनेक जगह आए हैं, यूपी टेट में भी आएंगे, है ना, सी टेट में भी आएंगे, सुपर टेट में तो आना ही है, है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग अपने मित्रों को भी इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो आके उसको एब्जॉर्ब करें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंटर है इसका ओ, यहाँ से हमने एक त्रिज्यखंड ले लिया, यानी कि सॉरी वृत्तखंड, ये आपका त्रिज्यखंड है। अगर वृत्तखंड की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा वृत्तखंड है। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे मिला दें, एक तरीके से ये जीवा ही तो है, ये जीवा ही है दोस्तों। अगर हम कहें ये आर है, रेडियस इसका आर ही तो होगा, स्मॉल आर यह है तो स्मॉल आर यह भी होगा, समझ रहे हैं कि नहीं।
अब हम दोस्तों आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि यह वाला जो एरिया है देख रहे हैं बचा हुआ, यह वाला जो शेष बचा हुआ है क्षेत्र, इसका बताइए एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, अब यह जो छोटा वाला बचा है दोस्तों ना, इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले सेक्टर को क्या कहेंगे जो बचा हुआ है, इसको कहेंगे स्मॉल, क्या बोलेंगे, स्मॉल सर्कल सेगमेंट बोलेंगे, यानी कि छोटा वृत्तखंड, क्या बोलेंगे, छोटा वृत्तखंड, वृत्तखंड। और इस बड़े वाले को जो ऊपर बचा है दोस्तों, यह वाला पूरा, जिसे यह वाला पूरा, इसे क्या बोलेंगे, बड़ा वाला वृत्तखंड। ये छोटा वाला है, ऊपर बड़ा वाला वृत्तखंड बचा है, समझ रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इस छोटे वाला जो वृत्त है ना, वृत्तखंड बचा, इसका एरिया बताइए, यह चीज़ पूछी जा रही है आपसे। अब आपको पता होगा अगर हम इस पूरे संरचना को निकालें तो देखिए यहाँ से लेकर यह वाला पोर्शन, यह वाला अंदर वाला मत देखिएगा, यह वाली लाइन मत देखिए जीवा की, आप सिर्फ यह देखिए यहाँ से लेकर यह वाला पोर्शन देख पा रहे हैं ना, इस वाले पोर्शन की सिर्फ हम अगर इमेज बना दें, इस वाले पोर्शन में से अगर हम इस वाले को देख रहे हैं, यह त्रिभुज जो है इस ट्रायंगल को दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ए ओ ए बी नाम दे देते हैं, तो अगर ओ ए बी को इस पूरे वृत्तखंड में से, यह वाला जो सर्कल की आकृति का, एक चाप की आकृति का बन रहा है, उसमें से इस त्रिभुज का यानी कि ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो इस छोटा वाला निकल जाएगा ना। देखिए कैसे, अगर हम कहें यह हमारा वृत्तखंड है दोस्तों, यही तो है वृत्तखंड, है ना, यह वृत्तखंड है, यह एंगल जो है थीटा है, एंगल थीटा पहले से ले के रखिए, तभी तो इसका यूज होगा, जो हमने बताया था आपको वह त्रिभुज वाला पोर्शन, वह तभी यूज होगा, यह थीटा है, समझ रहे हैं। अब यह वाला पोर्शन हमको देख रहे हैं, यह वाला, अब यही वाला बस छोटा सा काउंट करना था, इसी छोटे का एरिया निकालना था, तो हम एक त्रिभुज जो है, इसमें एक त्रिभुज भी बन रहा है ओ ए बी, इसको माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओ ए बी के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी कि इस पूरे एरिया में से ओ ए बी का एरिया जो त्रिभुज है उसका माइनस कर देंगे, और यहाँ भी तो थीटा बन रहा है। अब बताइए, आपको यह चीज़ बताई गई थी कि नहीं, जब कोई भी एंगल पे कोई अगर वृत्तखंड बनता है तो उसकी एरिया हम बताए थे पाई आर स्क्वायर, तो अगर डिवाइड करेंगे 360 से और इंटू करेंगे जो एंगल बनता होगा थीटा से, यह चीज़ हमने कल मतलब कि पिछले वाले सेशन में बता रखा है, आप लोग देख लेंगे। अब आप बताइए दोस्तों, यह डिस्टेंस कितना है, आर है, क्योंकि यही तो रेडियस है हमारा, यही तो रेडियस है दोस्तों, यही तो भुजा है इसका त्रिभुज का, और वही रेडियस भी है। तो अगर इसका एरिया की बात करें दोस्तों, इसकी एरिया अभी हमने बताया था 1/2, जब थीटा दिया हो, दो साइड दिए हो, तो आर इंटू आर, उसमें ए और बी था, इसमें आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये चीज होगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो आया आपका पूरा पोर्शन दोस्तों, यह क्या होगा, किसका एरिया होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया होगा। इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं आराम से, अब जरूरी नहीं है, देखिए ये थीटा आपका हो सकता है 45 आ जाए, 30 आ जाए, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, थीटा अगर साइन थीटा 30 डिग्री आ गया तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/4 मतलब आर स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका मेन फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस छोटे, अगर बड़े वाले को काउंट करना हो, बड़े वाले की एरिया निकालना हो, तो तब क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे बड़े वाले में से पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर में से अगर हम यह वाला देख रहे हैं, यह पूरा, यह छोटा सा जो वृत्तखंड है, छोटे वाले वृत्तखंड को माइनस करना है, सिर्फ किसको, इस वाले को, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान में 360, बस इसी को तो माइनस करेंगे, इस वाले को क्या करने की जरूरत है, इसको करने की जरूरत है कुछ नहीं ना, बस हमको केवल इसको माइनस कर देंगे, इस वाले को माइनस करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो बड़े वाले वृत्तखंड निकल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर इसको केवल माइनस करने से बड़े वाला वृत्तखंड निकलेगा, अरे बेटा सुनो, तो यह वाला जो है पूरा का पूरा काटेंगे तभी तो बड़ा वाला वृत्तखंड निकलेगा, जैसे हमने इसको काट दिया तो छोटा वाला वृत्तखंड निकल गया, अब उसी तरह इस पूरे को काट देंगे तब जाके बड़े वाले वृत्तखंड का एरिया निकलेगा, तो हमको यह पूरा माइनस करना होगा, यह वाला, ये देख रहे हैं, यानी कि अगर पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान में 360 माइनस कर देंगे दोस्तों ना, तब बड़ा वाला वृत्तखंड का एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। यह चीज़ कॉपी पे नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूला, यह छोटे वाले वृत्तखंड का है या बड़े वाले वृत्तखंड का है, फटाफट नोट करिए, फिर आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब वलय की तरफ चलते हैं, वलय रिंग, जैसे हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं ना, तो उस रिंग में देखते होंगे कि वो मोटाई उसकी होती है, रिंग की मोटाई का मतलब उसमें देख रहे होंगे, उसमें दो वृत्त होता है, एक तो अंदर की तरफ होता है, एक तो बाहर की तरफ होता है,
तो अंदर वाला जो होता है छोटा होता है और बाहर वाला जो होता है बड़ा होता है। अगर बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो जो रिंग की मोटाई है वो निकल जाएगा। तो सिंपल उसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए वलय जिसे बोलते हैं, ये छोटा वृत्त है आपका, समकेंद्री है दोस्तों, याद रखेंगे समान केंद्र के हैं, केंद्र समान है, ये स्मॉल आर है और ये वाला कैपिटल आर मान लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है ना। दोनों अब हमको केवल इसकी एरिया निकालनी है, मतलब रिंग की मोटाई निकालनी है, वलय की मोटाई निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वाला आपका सर्कल है, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये तो होगा। अब छोटा वाला सर्कल है हमारा स्मॉल आर, रेडियस है तो माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन कर लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें आपको पता है दोस्तों आर का ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, आर माइनस आर, आर प्लस आर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको कभी कभी क्या करेगा दोस्तों, आर माइनस आर की वैल्यू दे दिया रहेगा, आर माइनस आर का मतलब समझ रहे हैं, अगर बड़े वाला त्रिज्या है, बड़े वाले में से अगर छोटे वाले त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, बताइए, बस वही चीज़ दे दिया रहेगा आपको, आर माइनस आर दे दिया रहेगा। और आपसे बोलेगा कि जो यह है ना, यह वाला चीज़ है, यह वाला, इसकी एरिया दे दिया रहेगा, इस वलय की एरिया दे दिया रहेगा आपको, इस वलय की मोटाई जो होगी वो दे दिया होगा, और आर माइनस आर का डिस्टेंस दे दिया होगा। देखिए एरिया और डिस्टेंस में अंतर है दोस्तों, डिस्टेंस मतलब कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू, और उस वलय की एरिया मतलब जो बचा हुआ है बड़े वाले एरिया, बड़े वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल माइनस करने के बाद उसका एरिया आपको दे दिया रहेगा, उसका एरिया आपको दिया रहेगा। तो आपको पता है यही तो है इसका एरिया। अब यह चीज़ अगर दे दिया रहेगा तो यहाँ पे रख देंगे, और स्मॉल आर माइनस मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आपको दिया रहेगा मोटाई। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि अगर आर प्लस आर की वैल्यू बताइए क्या होगा, आर प्लस आर की वैल्यू क्या होगा, आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा बेटा, निकल जाएगा सबका। अब आर प्लस आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना, तो आपसे कभी कभी यह पूछ लेगा, अब बताइए कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगा और स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगा। तब जब आर प्लस आर की वैल्यू आप निकाल ली है और आर माइनस आर की वैल्यू आपको दिया है तो दो समीकरण बन जाएंगे। अब दोनों समीकरण जैसे कि आर माइनस आर की वैल्यू दिया रहेगा और आर प्लस आर की वैल्यू आपने निकाल लिया, दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब दोनों इक्वेशन को आप गुणा जोड़ घटाना करके कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। तो इस तरह से यह फार्मूला नोट करिएगा और एक यह कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उसको लिख लीजिए, जैसे हमने बोला है जस का तस कॉपी पे लिख लीजिए, क्वेश्चन कराएंगे तो काम आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है भैया, तो आप लोग शेयर करते रहिए और अपने साथियों को अपने मित्रों को जोड़ते रहिए, चाहे जिस लेवल की वो तैयारी करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और टीचर्स ग्रेड में जो आते हैं बहुत सारे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, तो उसकी तैयारी करें, चाहे जिस भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट उठ के आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब समझ, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या दोस्तों, इसको हेडिंग लगाइएगा। अब आप बताइए अगर कोई आप साइकिल से जब जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल से किसी से भी जाते हैं तो उसमें व्हीकल लगा होता है, वैसा नहीं त्रिभुजाकार की आकृति लगी होती है पहिए पे, व्हीकल ही होता है ना, सर्कल ही होता है। अब उस सर्कल से जब आप दूरी तय करते हैं दोस्तों, यह वाला दूरी है, इतना है आपका सर्कल मान लीजिए, अब आगे आपको जाना है तो यह वाला अब आगे पहिया जाएगा, अब यहाँ पे आएगा इस तरह से, फिर नेक्स्ट जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा इस तरह चलता चला जाएगा। तो कितना नंबर ऑफ साइकिल चले, मतलब कितना चक्कर चला, जितना चक्कर चला वही आपसे पूछ लेता है कि मतलब कितना डिस्टेंस, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए, अब 5 किलोमीटर गए हैं आप अपने ही साइकिल से गए हैं और आपके दोनों पहिया बराबर हैं या फिर छोटा बड़ा है, आपसे पिछला पहिया अगला पहिया इस तरह क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपसे पूछ लिया आपने 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर गए अपने साइकिल से, उस साइकिल का त्रिज्या दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि कितना नंबर ऑफ साइकिल, कितनी बार आपने अपने साइकिल को जो पहिया आपका घूमा होगा उतना डिस्टेंस जाने में, हाउ मेनी डिस्टेंस, मतलब कि 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इस तरह दिया रहेगा। तो बस उसकी फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोले कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी, कुल दूरी, तो कुल दूरी दोस्तों आपको पता है कितना होगा, जैसे कि हमने एक पहिया बना दिया, इसको n बार घुमा दिया हमने, n बार, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, n बार घुमा है तो n गुणे उस सर्कल का परिमाप,
यानी कि सरकमफ्रेंस, 2πr। 2πr से अगर हम n चक्कर में उड़ा कर देते हैं, कितनी बार वो घूमा तो निकल के आ जाता है ये पूरी की पूरी दूरी। तो जाहिर सी बात है अगर 10 बार घूमा है तो 10 गुणे परिमाप में उड़ा कर देंगे तो पूरा का पूरा डिस्टेंस बता देगा हमें, कुल दूरी वो कितना चला। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अब घुमा होगा तो एक बार घुमा तो एक गुणे 2πr, दो बार घुमा तो दो गुणे 2πr, अब n बार घुमा है तो n गुणे 2πr, ये कुल दूरी है। अगर हम बात करें दोस्तों n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता देंगे n की वैल्यू जो होगी सर कुल दूरी, यानी कि d मान लेते हैं कुल दूरी को, बटे 2πr होगा, यही तो होगा। अब बताइए जो स्पीड ऑफ व्हीकल है, स्पीड ये तो हो गया n वैल्यू, n की वैल्यू आपने निकाल लिया जब आपको डिस्टेंस पता हो, और r साइकिल का जो पहिया है उसकी या फिर किसी भी सर्कल का जो पहिया है उसका रेडियस पता हो, तो आप n निकाल सकते हैं यहाँ से कितनी नंबर ऑफ कितना बार वो घूमा होगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कितना नंबर आप घूमने के बाद, कितना नंबर घूमने के बाद वह इतना दूरी तय किया है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, चाल बराबर लिखिएगा दूरी बटा समय, यह तो जानते होंगे सभी लोग। यह जो दूरी है दोस्तों ना, यह दूरी यही तो है n इंटू 2πr, तो रख दीजिए वहाँ पे, तो चाल बराबर 2πr कितना चक्कर घुमा है n चक्कर बटे समय, यह एक फार्मूला है। आपसे चाल दिया रहेगा मतलब s, s बराबर 2πr इंटू n बटे t। इस चीज़ को बेशक ध्यान रखिएगा, जो आपका स्पीड है ये किलोमीटर प्रति आवर में है कि मीटर प्रति सेकंड में है, अगर मीटर प्रति सेकंड में है और सारी चीज़ें सेकंड में मीटर में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में ही बदलना होगा आपको, अगर किलोमीटर प्रति आवर में है तो किलोमीटर प्रति आवर में ही बदलना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति आवर में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति आवर में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए इसी में, 5/18 से आप गुणा कर सकते हैं दोस्तों, है ना, यह मीटर प्रति आवर नहीं मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में आना है तो जो मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है ना उसमें इसको उलट के गुणा कर दीजिए, 18/5 हो जाएगा। यह चीज़ें हैं, यह वैल्यू जो आएगी आपका किस में आएगा, किलोमीटर प्रति आवर में आएगा, यह चीज़ें आप लिख लेंगे। अब यह चीज़ें समझ में आई हों तो आप इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला है दोस्तों, जो स्पीड है आपको दिया रहेगा, टाइम पूछेगा, यह नंबर ऑफ साइकिल जितनी बार आपका साइकिल घूमा वह दिया होगा सर्कल, या फिर आपसे नंबर n पूछ सकता है, t और s दिया होगा, अगर यह भी नहीं दिया है तो डायरेक्ट आपसे n पूछेगा, डिस्टेंस दे देगा और रेडियस दे देगा। तो ये दोनों फार्मूला हैं जो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, आराम से नोट कर लीजिए, यह टाइम है और यह आपका पूरा का पूरा डिस्टेंस है। ठीक है ना, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साइकिल दे दिया, कितनी बार घूमा आपका, नंबर ऑफ साइकिल मान लीजिए 10 बार घुमा तो बताइए पूरा डिस्टेंस कितना है। अब आपका अगर मान लीजिए पहिया है रेडियस 7 सेंटीमीटर का और आपने घुमाया उसको n चक्कर, मतलब कि 10 चक्कर मान लेते हैं 10 चक्कर, तो बताइए टोटल स्पीड कितना हो जाएगा। अगर टाइम दिया हो 2 घंटे का तो बताइए 2 घंटे में अगर आप 10 बार अपने पहिए को घुमाते हैं, 10 बार अपने पहिए को घुमाते हैं तो कितना स्पीड होगा, मतलब कि कितनी स्पीड होगी अगर 10 बार आपका पहिया घूमता है और टाइम दिया हो 2 घंटे का, रेडियस दिया हो सर्कल का कुछ समथिंग दिया हो 7, 14 कुछ भी दिया हो तो बताइए स्पीड कितना होगा। इस तरह कुछ भी एक अननोन रहेगा और 3 नोन होगा आपके पास। ठीक है ना, अब एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको सीखिएगा, यह आपका वर्ग है। क्या है? वर्ग है, पढ़ा दिया है वर्ग और आयत, देख लीजिए। अब इसमें जो है 4 वृत्त हम बना रहे हैं, चारों वृत्त क्या है, समान त्रिज्या के हैं, समान त्रिज्या के कुछ इस तरह बने हैं ना, जिस तरह हम बना रहे हैं इस तरह कुछ बने हैं आपके वृत्त, देख सकते हैं आप इस तरह कुछ वृत्त बने हैं। बेशक दोस्तों बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं सारे, आप अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, बेहतरीन नोट्स बनेगा, हर जगह काम आएगा, कभी किसी से मांगने की अभी किसी जगह कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये वर्ग है तो चारों तरफ ए ही होगा, इसका साइड हर तरफ ए होगा दोस्तों, हर तरफ ए होगा, हर तरफ ए है। अगर रेडियस इसका सारे का सेम है सारे सर्कल का, तो अगर यहाँ से हम एक ऐसे सेंटर पे इसका लाइन खींच दें दोस्तों, इस तरह देखिएगा, इस तरह तो पता है आपको अगर यहाँ से सेंटर ऊपर जाए चाहे नीचे आए, चाहे दाएं चाहे बाएं, हर तरफ आर होगा, स्मॉल आर मान लेते हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इसमें भी स्मॉल आर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो स्मॉल आर मिला, फिर यहाँ गए तो एक पूरा डायमीटर कंप्लीट हुआ तो 2r मिला, फिर 3r, फिर 4r, आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है।
मतलब कि जो ए की वैल्यू है दोस्तों, ए की वैल्यू है, साफ साफ हम ये कहना चाहते हैं जो ए की वैल्यू है ना वो कितना है, आर 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 आर, चार बार आर आ रहा है, तो चार बार आर को ऐड कर देंगे तो जो ए की वैल्यू है ना वह फोर आर आ जाएगा। और जो आपका आर है ना ये नहीं दिया है, आपको केवल ए दिया रहेगा पेपर में, आपसे बोल दिया जाएगा जब ए दिया है तो आप जो ये बचा हुआ छायांकित भाग है ना सब, ये छायांकित भाग इसका एरिया बताइए, ये छायांकित भाग जो सारा बचा हुआ है ना हर तरफ, बस इसका एरिया बता दीजिए। तो आपको यह बताना होगा क्या अगर पूरे वर्ग में से इस सर्कल को, चारों सर्कल को माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो बस अगर ए की वैल्यू है 4R तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपान में 4, यह चीज़ आप फाइंड कर लेंगे, बस यही एक गुणा गणित है, इसके बाद सब आसान है। पूरे वर्ग में से आपको इन चारों को माइनस करना है तो पूरा वर्ग का स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस, अब चार सर्कल है तो चार गुणे पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है एरिया, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर दोस्तों। अब आपको पता है आर की वैल्यू आपने निकाल रखा है यहाँ पे, ए अपान 4 रख दीजिए वहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपान में 7 इंटू आर की वैल्यू ए अपान में 4, यानी कि ए स्क्वायर अपान में 4 इंटू 4। अब 4 से 4 चला गया दोस्तों, 2 दूनी 4 11 बार में चला गया। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, अगर आपने ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 11 बटे 7, 11 बटे 14 बचेगा, 7 दूनी 14, 11 बटे 14 बचेगा। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, ए स्क्वायर 14 माइनस 11 का मतलब कितना हो गया, 3 और 1 4, 3 बटे 14, यानी कि जो आपका एरिया आ जाएगा दोस्तों, इस छायांकित भाग का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लिख लीजिए छायांकित भाग का जो एरिया आएगा दोस्तों कितना आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 ए स्क्वायर अपान में 14, यह फार्मूला है, आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा अगर चार वृत्त हैं एक वर्ग में समान रूप से बनाए गए हैं, सारे का रेडियस, सबका रेडियस समान है और जो वर्ग है उसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। रेडियस नहीं दिया है आपको, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट इस पर रखना है, अगर भुजा ए है तो ए पे रखेंगे छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर दिया है आपका भुजा, जो आपका भुजा है 7 सेंटीमीटर दिया हो तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू यहाँ पर रखेंगे 7 इंटू 7 अपान में 14 है, तो 7 दूनी 14, 7 21, 21 बटे 2 यानी कि 10.5 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं आराम से, यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट, चलिए एक और कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें एक क्वार्टरली सर्कल बनाया गया है, मतलब सर्कल हाफ का हाफ क्वार्टरली सर्कल, जिसका कि अगर एरिया निकाल दिया जाए तो पाई स्क्वायर अपान पाई आर स्क्वायर अपान में 4 आ जाता है। अब आपसे बोला गया है जो आपका यह साइड है ना दोस्तों, यह 7 दिया है, वर्ग है आपका यह वर्ग है, चारों तरफ 7 7 दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इस भाग की एरिया बता दीजिए, जो छायांकित भाग है ना इसका एरिया बता दीजिए। तो आपको पता है दोस्तों ये जो सर्कल है ये सर्कल का चौथा भाग है, चौथा भाग है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, लेकिन इसमें आर की वैल्यू थोड़ी हमको दिया है, आर की वैल्यू तो हमें निकालना है, समझ रहे हैं, हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो पूरे का स्क्वायर कितना, पूरे का एरिया कितना होगा, पूरे वर्ग का 7 गुणे 7 में से माइनस क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले को माइनस करेंगे, यह जो क्वार्टरली है, यानी क्वार्टरली क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर अपान में 4। अब r की वैल्यू आपको पता है दोस्तों, जब 7 दिया होता है तो हमने बताया था जब रेडियस 7 हो, जब रेडियस 7 हो तो एरिया कितना आएगा, 154 आएगा, और आपका परिमाप कितना आएगा, पेरीमीटर 44 आएगा। डायरेक्ट याद करते हैं, अगर रेडियस दोगुना हो जाता है, 14 हो जाता है 7 का डबल, तो जो एरिया होगा हमारा कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा, 154 का 4 गुना, और परिमाप कितना होगा, 44 का 2 गुना। अगर हमारा रेडियस दोस्तों आ जाता है 1.4, तो जाहिर सी बात इसके नीचे 10 का गुणा कर देंगे आप, 14 बटे 10, तो सिंपल सा है, सबके नीचे 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि 154 गुणे 4 बटे 10, और पेरीमीटर आ जाएगा 44 गुणे 2 बटे 10, यह चीज़ है। सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं बस एक कॉन्सेप्ट से, इस वाले से, कल वाला जो वीडियो बच्चा देखा होगा वो आराम से सारे कॉन्सेप्ट फाइंड कर सकता है,
आराम से फाइंड कर सकता है। बस वही चीज़ यहाँ पे है, जब भी सात दिया हो रेडियस, क्योंकि यह तो रेडियस है, यह केंद्र है ना दोस्तों, केंद्र से इधर भी है एक सर्कल बना है नीचे की तरफ, इधर भी, तो यह केंद्र से यह पूरा क्या एरिया, सॉरी रेडियस ही तो है, यह रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो आर की वैल्यू सात हुआ, जो भुजा है वही रेडियस है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, हमको पूरा का वर्ग में से 749 में से क्या माइनस करना है दोस्तों, इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 154 बटे 4। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए 154 बटे 4 को, देखिए कितना आ जाएगा 154 बटे 4, यानी कि 49 माइनस 38.5 के आसपास आएगा, 49 माइनस 38.5 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 21 बटे 2, यानी कि 10.5 वही बचेगा आपका, 10.5 बच रहा है ना, देख लीजिए 49 एक माइनस कर दिए तो 10.5, यानी कि आपका पूरा का पूरा बच रहा है, 9 में से एक, हाँ सही है, 10.5 बचेगा, ये आ गया। अब यह चीज़ आप नोट किए रहिए, अब एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर यही चीज़ हम यहाँ पर बना दें इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक है, यह आपका सात है दोस्तों, इस बार आयत बन गया है जो आपका, यह देख रहे हैं पूरा हाफ सर्कल इस बार है, और यह भी सात है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी सात है, यह भी दूरी सात है, और इधर यह सात है, और यह भी सात दूरी है डिस्टेंस। अब इस बार आपको इस जो बचा हुआ है यह चीज़ ना, इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताइए जो बचा हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इधर वाला का आया था 10.5, इधर वाले का भी 10.5, तो 21 बता देंगे, लेकिन गलत होगा। आपका जो यह रेडियस है दोस्तों, ये देख रहे हैं ये सात है ना, ये सात है, यह रेडियस सात है, अगर यह रेडियस सात है, पूरा डायमीटर कितना है, इस पूरे को माइनस करना है अब आपको, पूरा कितना है दोस्तों, देख पा रहे हैं कितना है बताइए, तो चलिए चलिए बताइए फटाफट, यही रेडियस है ना, यही सात होगा, यही सात होगा, और इधर वाला सात हुआ, अगर इसका एरिया आपको पता है दोस्तों कितना, 10.5, अब इस वाले अकेले का एरिया भी 10.5 आपको पता है, कितना 10.5, उतना ही आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, 21.5 ही आएगा, हम शायद कन्फ्यूज हुए थे कुछ, और कुछ बताने वाले हैं अगले आपके कॉन्सेप्ट में, तो सोचे इसी में बता देते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग है, अभी हम बताते हैं उसको। ये देखिए 10.5 है, 10.5, और ये भी 10.5, क्योंकि अभी हमने निकाला है 10.5, अब दोनों को जोड़ देंगे, अब आपको गुणा करना है सिर्फ किसका, दो का, इसमें दो का गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा, अब 21 पूरे का एरिया हो जाएगा जो बचा हुआ है, है ना। लेकिन अगर अगर इसी जगह आपका सात के जगह का 14 कर दें, या 14 कर दें, तो आप क्या करेंगे, 21 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि रेडियस डबल हो रहा है, तो जो एरिया होगा वो 4 गुना होगा, अगर रेडियस 3 गुना होगा तो एरिया 9 गुना होगा, 3 × 9, कल वाला कॉन्सेप्ट याद है, अगर 3 गुना हुआ तो 21 × 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यह मिलेगा, अगर 2 गुना हुआ रेडियस आपका दोस्तों, तब एरिया जो आएगा 4 गुना मिलेगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 84 मिलेगा, कल वाला कॉन्सेप्ट याद है तो बच्चे कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो आपको हम बताते हैं, देखिएगा ये अच्छा कॉन्सेप्ट एक और है, फिर इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे चार सर्कल बनाते हैं और चारों सर्कल आपस में समान रेडियस का हैं और आपस में टच कर रहे हैं कुछ इस तरह, जैसे हमने बनाया है इस तरह, और एक बीच में वर्ग हमने बना दिया ऐसे, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एरिया बताइए, ये शायद कल भी हमने बताया था, अगर ये सात है, यह सात है, रेडियस सबका सात है, सबका रेडियस सात है, तो आराम से यह वाला खंड का एरिया बता सकते हैं, क्योंकि यह देखिए क्वार्टरली है, यह हाफ सर्कल का भी आधा है, और यह भी हाफ सर्कल का आधा है, और यह भी पोर्शन हाफ सर्कल का आधा है, मतलब कि समझ रहे हैं, किसी एक सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा, जब किसी भी एक भाग का चार हिस्सा कर देंगे, फिर चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक चीज़ मिलेगा, तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ से हमको यह इस वर्ग का एरिया पता है क्या होगा, 7 × 7 में से क्या माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर, बस यही माइनस कर देना है। अब पाई आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू सात होता है, जब रेडियस की वैल्यू सात होती है दोस्तों, जब रेडियस की वैल्यू सात होती है तो एरिया कितना हो जाता है 154, तो 749 आपको क्या माइनस कर देना है, एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, अच्छा बेटा ये 7 × 7 = 14 होगा ना, देखिएगा ये 14 है आपका, ये पूरा डिस्टेंस 14 है ना, ये 14 है बेटा, ये 7 इधर 7, जो वर्ग का भुजा है वो 14 है, तो 14 × 14 मतलब कि 196 में से बेटा आप माइनस कर देंगे 154, बस माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 5 × 4 = 4, मैंने 42, इस जो बचा हुआ है पोर्शन उसका 42 हो जाएगा, अगर 7 के जगह 14 दे देता है
तो यह भी 14, तो 14 14 28। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 28 गुणे 28, 28 गुणे 28 में से आप क्या माइनस करेंगे, अब रेडियस आपका दोगुना हो गया, पहले 7 था, पहले कितना था दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब रेडियस हैं, ये सब के सब रेडियस हैं, तो पहले 7 था, अब दोगुना हो गया, तो 154 का दोगुना कर दीजिए, माइनस 154 गुणे 2, 2 4 8, 2 5 10 0, आज मैं 2 1 2 1 3, एक मिनट, दोगुना नहीं बेटा, यह दोगुना हुआ तो ये 4 गुना होगा ना, 4 4 16 को 6, मैं एक मतलब 616 आ जाएगा, 616 आ जाएगा। अब 616 को 28 के स्क्वायर में से माइनस करना है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 14 4 4, यह होता है, यह होता है नहीं, यह नहीं होता है, 729 789 होता है, 8 8 64 784 होता है बेटा, यह होता है, समझ रहे हैं। अब इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, आराम से आ जाएगा आपका वैल्यू, 14 माइनस 6 8 हो गया, और यहाँ 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ बचा आपका कितना, 7 माइनस 6 1 हो गया, 168 जोड़ लीजिए, 8 6 14 4 मैं 1, 6 7 1 8 7 हो गया ना, ये आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से यह कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीख लिए बेहतरीन तरीके से तो वीडियो सेशन को लाइक करिए और अपने मित्रों को भी बताइए दोस्तों, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में है, अगर आपकी संख्या बढ़ती है तो बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा और आपके सिलेक्शन तक साथ रहेंगे दोस्तों, मैराथन क्लास भी चलाए जाएंगे बेशक, और आपका सुबह से लेकर सुबह 6 बजे करंट अफेयर और जीके की क्लास आती है, 10 मिनट का होता है, रोज़ फॉलो करिए। मैथ का सेशन आता है 11 बजे, फिर अर्चना मैम का आता है 3 बजे, CDP और EVS का, फिर आपका 9 बजे हिंदी का सेशन आता है ना, तो सारे सेशन आप फॉलो करिए, बेशक एग्ज़ाम निकलेगा और फ्री में आप सारी चीज़ें पा पाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए, धन्यवाद।